हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन। इन तीनों यूनिवर्सिटी में जो MBA एडमिशन स्टार्ट हैं उसके बारे में। दोस्तों, यहाँ पर इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी एक यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। यहाँ पर हमने ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है, ये जो पोर्टल है, इसी पोर्टल पर आकर आपको जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका जो प्रोस्पेक्टस है वो भी मिल जाएगा, और नीचे जब आप आओगे तो अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बता देते हैं कि कितनी कितनी सीट्स हैं वहाँ पर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ऑब्वियसली तीनों का सेम ही है, ठीक है, और एडमिशन प्रोसीजर भी तीनों का सेम ही है। तो हम यहाँ पर आपको पहले इंपॉर्टेंट डेट्स बताएंगे जो सेम रहेंगी तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सेम है। ओके, तो यहाँ पर हम कोई सी भी यूनिवर्सिटी का जो ब्रोशर है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पर MBA कोर्स ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो 28 फरवरी से लेके 30 मार्च तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। हो सकता है ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड हो, लेकिन फिलहाल लास्ट डेट यही है, ठीक है। और जनरेशन ऑफ कॉल लेटर फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को ऑनलाइन कॉल लेटर यहाँ पर आएगा, जो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे GDPI के लिए। अब GDPI के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे वो कैट के स्कोर के बेसिस पर किए जाएंगे। जी हाँ, कैट 2019 का जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसी के बेसिस पर इसमें एडमिशन होगा, लेकिन GDPI भी अपना यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी। GDPI ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक आपका जो है GDPI होगा, ठीक है, 16 से लेकर 22 अप्रैल के बीच में होगा। इसके अलावा फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसका जो ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट है वो आपका आएगा 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को आने के बाद जो फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो उसका जो एडमिशन कन्फर्मेशन होता है उसकी लास्ट डेट रहेगी 4 मई को, ठीक है। 4 मई के बाद 8 मई को वैकेंसीज आएंगी सेकेंड राउंड के लिए। उसके बाद 13 मई से लेकर 14 मई तक आप सेकेंड राउंड में अगर अपना कॉलेजेस का प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 20 मई को सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद 30 मई तक आप सेकेंड राउंड के लिए फ़ीस वगैरह पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आफ्टर सेकेंड राउंड वो 8 जून को होगा। फिर ऐसे प्रोसीजर चलता रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी भी बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी हालांकि तीनों की सेम ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर DTU के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है यहाँ पर और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। दो कैंपस हैं इस यूनिवर्सिटी के। दोस्तों, ये अलग अलग जो रिक्रूटर्स हैं, कंपनीज हैं, उसके नाम है कि कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं कंपनी में रिक्रूटमेंट करी है। लावा हो गया आपका, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे कंपनीज़ के नाम भी मेंशन है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। अमेजोन भी है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन में आपके 60% या इक्विवेलेंट CGPA हो वो चाहिए, और इसमें रिलैक्सेशन होगी SC ST और PWD के लिए 10 10% तक की, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट का जो इसमें एडमिशन होगा वो GDPI के बेसिस पर होगा, और GDPI के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे वो ऑब्वियसली कैट के स्कोर के बेसिस पर किए जाएंगे। मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ऊपर बता दी हैं, वही डेट्स आपके तीनों यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो करी जाएंगी। इनटेक यानी कि नंबर ऑफ सीट्स की हम बात कर लेते हैं, तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो DSM यानी कि दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 150 सीट्स हैं, और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंटरप्राइज में 75 सीट्स हैं। यानी कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ में दो कैंपस हैं, दोनों कैंपस में अलग अलग सीट्स रखी गई हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया आप देख सकते हो, जो होता है जनरल वही रहेगा। ऊपर आप देखिए, जनरल के लिए 61 सीट, जनरल EWS के लिए 15 सीट्स, ठीक है। ये DSM का अलग लिखा हुआ है, और जो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंटरप्राइज है उसका अलग यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ठीक है। 27% ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर OBC और 10% EWS। बाकी जो अदर कैटेगरीज होती हैं वो सेम ही फॉलो करी जाएंगी, जैसे कि SC ST वगैरह।
अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैट के स्कोर के बेसिस पर GDBI के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। उसके लिए जो कॉल लेटर है वो भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात समझने की ज़रूरत है, जो फाइनल सीट अलॉटमेंट होता है यानी कि GDBI के बाद जो सीट अलॉटमेंट होता है वो किस तरीके से होगा। उसके लिए दोस्तों आपका कैट के स्कोर के मार्क्स प्लस GDBI दोनों के कंबाइंड मार्क्स देखे जाएंगे, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको किसी कैंडिडेट्स के दोनों के मार्क्स सेम रहते हैं यानी कि कैट के स्कोर के भी और प्लस GDBI के भी, तो उस केस में कैंडिडेट विद हायर कैट परसेंटाइल शोल बी रैंक्ड हायर, यानी कि जिसकी कैट परसेंटाइल ज़्यादा होगी उसको फिर तरजीह दी जाएगी। अच्छा, जिसके कैट के एग्ज़ाम के स्कोर भी कैट स्कोर भी जिसका सेम हुआ, तो उस केस में जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर जिसकी एज भी ज़्यादा हो तो उस केस में जिसकी बैचलर डिग्री के मार्क्स ज़्यादा हैं वो मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसीजर नॉर्मली सेम ही होता है। जैसे अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है फर्स्ट राउंड के अंदर, तो आपको 1 लाख रुपये पार्ट एडमिशन फीस पे करनी होगी। टाइम लिमिट मैंने आपको बता दी, अलग अलग राउंड के लिए अलग अलग टाइम लिमिट यहाँ पर रखी गई है और डेट्स के अकॉर्डिंग आप देख लोगे। और यहाँ पर अगर आप चाहते हो यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करना, यानी कि अगर आप को जो कैंपस अलॉट हुआ है उस कैंपस से आप इंटरेस्ट नहीं हो और अपना सीट अपग्रेड करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको फ़ीस ज़रूर पे करनी होगी। और अगर आप चाहते हो कि जो कैंपस आपको अलॉट हुआ है उस पर्टिकुलर राउंड में उससे आप संतुष्ट हो, उसको आप संतुष्ट हो, तो उसको उसी वक्त पर आप फ्रीज कर सकते हो पेमेंट के बाद। और यहाँ पे फर्स्ट राउंड के लिए जो काउंसलिंग का प्रेफरेंस होगा वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए आप चूज़ करोगे। उसके बाद जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसके लिए जो कैंपस का प्रेफरेंस है वो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन। बाकी दोस्तों फॉर्म तो आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और DTU में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी मैंशन है, कोर्स करिकुलम फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे वो यहाँ पर मैंशन है, ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में। उसके बाद यहाँ पर आपका लिस्ट ऑफ इलेक्टिव्स यानी कि जो आपका स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। फीस की डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, पहले साल की फीस 1,19,500, ट्यूशन फीस है, उसके अलावा अलग अलग यहाँ पर फीस मेंशन है। विड्रॉल पॉलिसी यहाँ पर देखिए, अगर आप 15 दिन बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के 15 दिन पहले तक अगर आप एडमिशन कैंसिल करवा लेते हो तो 100% आपकी फ़ीस रिफंड हो जाती है, ठीक है। नॉट मोर देन 15 डेज आफ्टर द लास्ट डेट के 15 दिन बाद, लास्ट डेट के 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हो, जैसे कि अगर 30 जून लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, और आप 15 जुलाई से पहले पहले एडमिशन कैंसिल करते हो तो 80% लगेंगे, और वहीं अगर आप 15 जुलाई के बाद करोगे लेकिन 30 जुलाई से पहले कर लोगे तो 50% लगेगी, ठीक है। और अगर आप लास्ट डेट के 1 महीने के बाद एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो 0% फीस आपकी रिफंड होगी। अच्छा, GDBI के टाइम पर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे गिवन है जो आपको लेके जाने हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डूली साइन बाय कैंडिडेट, डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अच्छा, प्रिंट आउट ऑफ कैट स्कोर, ओके, डेट ऑफ बर्थ यानी कि क्लास 10 का सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है, ठीक है। बाकी रिजर्व सीट के लिए आपको जो रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर कैटेगरी का आप सर्टिफिकेट लेकर जाओगे। अब ये है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको पहले हम नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहते थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट सेम ही है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डिटेल्स मेंशन है, इसको अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर नीचे आओगे तो कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है MBA में, उसकी डिटेल भी आपको इस प्रोस्पेक्टस में ही मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर, काउंसलिंग गाइडलाइंस ऑब्वियसली सेम ही रहेंगी, ठीक है। द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोग्राम कंप्राइज ऑफ कोर कोर्सेज ऑफ बिल्ड टू स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैनेजमेंट पर्टिकुलर्स। इन द सेकेंड ईयर द प्रोग्राम ऑफर वेरियस इलेक्टिव कोर्सेज इन द फॉलोइंग एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो इसमें मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR है, ऑपरेशन है, IT एंड बिजनेस एनालिटिक्स है। एलिजिबिलिटी सेम रहेगी, मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। एनुअल सीट्स इनटेक की बात करें तो 75 सीट्स इसमें हैं, इसमें जनरल 31 हैं, EWS की 7 हैं, OBC की 20 हैं, SC ST की 11 और 6 हैं, बाकी PWD का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है वो सेम रहेगा, ठीक है। और PWD के अलावा डिफेंस पर्सनल का जो रिजर्वेशन है वो भी इसमें सेम
रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये प्रोस्पेक्टस यहाँ पे अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट डेट सेम रहेंगी। ठीक है, फैकल्टी के बारे में गिवन है, यूनिवर्सिटी के बारे में विजन मिशन डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर गिवन है, तो इसको भी आप चाहो पढ़ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही है, MBA कोर्स की डिटेल यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पे रिक्रूटर्स की लिस्ट अवेलेबल है, कौन कौन से रिक्रूटर्स पास्ट में कंपनी में रिक्रूटमेंट के लिए आए थे, स्नैपडील वगैरह टाटा वगैरह, उसकी यहाँ पे डिटेल मेंशन है। ठीक है, जनरल में 31 सीटें हैं, EWS में 7 सीटें हैं, OBC में 20 सीटें हैं, SC में 11 और ST में 6, टोटल सीट्स इन MBA प्रोग्राम 75। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी एक सीट इसमें रखी गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों आपको प्रोस्पेक्टस तो आप देख ही लेंगे, और अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।